हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में मेरी नीलिमा के साथ। और आज मैं नीलिमा का सारा डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कितना खर्चा किया तो ऐसे बना पाया और लोगों को भी पसंद आया। जब मैंने करवाया था तब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि समझ सकते हो ना कि खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम न्यू बाइक का मैंने ऐसा हाल किया था। लेकिन बहुत प्यारा लगा, सभी को पसंद आ रहा था, मुझे भी फिर पसंद आने लग गया। आप लोग भी अगर ऐसा बाइक करवाओगे तो आप लोग को भी पसंद आ जाएगा, गारंटीज है। और आप लोग अभी सिनेमैटिक वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर सिनेमैटिक वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना, बाइक भी अच्छी लगे तो भी लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और पूरे प्राइस के साथ, मतलब चीप प्राइस में यार आप ऐसा कर सकते हो, समझ लो आप 50,000 के अंदर में ऐसा बाइक बना सकते हो। ज़्यादा कुछ छिड़कानी भी नहीं किया हुआ है बाइक, सिर्फ बाइक में मिरर नहीं लगा हुआ है, वो थोड़ा अजीब लगता है मिरर, इसलिए मैंने मिरर निकाल लिया था। बट साइड में मैं मिरर लगा दूंगा। ज़्यादा देख लो यार, सारा सिंपल में सारा कंपनी का ही है, ज़्यादा कुछ छिड़कानी ही नहीं। ये हेडलाइट वगैरह जितना, सिर्फ हैंडल, ब्रेक गार्ड, एग्जॉस्ट बस चेंज है और कलर चेंज है, बाकी सारा सेम है। तो फिलहाल अभी सिनेमैटिक वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, कैसा लगेगा जरूर से कमेंट करके बताना। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका पेंट का कितना खर्चा पड़ा, हैंडल का कितना आया, लेग गार्ड भी चेंज है, एग्जॉस्ट भी चेंज है, कितने का एग्जॉस्ट लगाया था, स्टिकरिंग भी किया हुआ है, तो सारा डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं हैंडल से। ये हैंडल है, ये कस्टमाइज हैंडल है, ये आफ्टर मार्केट कहीं मिलता नहीं था। जिस टाइम पर मैंने कराया था, आज से 2.5 साल पहले, ऐसा हैंडल कहीं मार्केट में मिल नहीं रहा था। अगर आप लोग अगर 2.5 साल पहले अगर जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये हैंडमेड है, बनाया गया है इसको, इसलिए देखो थोड़ा सा जहाँ तहाँ से इसका मतलब फिनिशिंग भी उतना सही से हो नहीं पाया है। ये देखो वेल्डिंग वगैरह भी सारा हर जगह से पेंट वगैरह छोड़ दिया, उतना सही से हो नहीं पाया, बट इसको भी दोबारा रिपेंट करवा देंगे। तो हैंडल का मुझे पड़ा था कुछ 900 ऐसे, मतलब लोहा वगैरह सब खरीद वरीद के, सब कटिंग वटिंग करके, सब देखो ये सब पूरा ना कटिंग किया गया है, सब काट कूट के सब बनाया गया अच्छे से। तो मुझे कुछ 850 से 900 रुपया कुछ खर्चा पड़ा था। मैं जितना भी बताऊंगा उससे 200+ यार माइनस करके ही जो खर्चा आएगा सो आएगा। और ये भी जो है ये लेग गार्ड, ये मुझे कोलकाता के वेलिंगटन मार्केट से मैंने बुलेट का लिया था, तो ये भी मुझे कुछ 900 साढ़े 900 समथिंग कुछ पड़ा था। और इंडिकेटर का बात करते हैं, मैंने ये तीसरा इंडिकेटर चेंज करा, इससे पहले वो पतला वाला जो इंडिकेटर आता था ना वो वाटर प्रूफ नहीं था, तो 2-3 बार चेंज करा है, वो ख़राब होते गए, लास्ट में मैंने पल्सर का ही इंडिकेटर लगा दिया, पल्सर 220 का इंडिकेटर है। और सामने से तो और कुछ चेंजेस है नहीं। पेंट का भी बात करेंगे धीरे धीरे, सारा डिटेल्स पहले बताएंगे कहाँ कहाँ मैंने पेंट कराया, फिर कितना खर्चा आया। सो स्टिकरिंग का बताते हैं, एक यहाँ स्टिकर किया हुआ है, ये अनुज शर्मा ब्लॉग्स, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, अगर वो लोग भी अगर ऐसा बनवाना चाहते हो तो। मैंने जहाँ से बनवाया था वहाँ का एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, और उनका नाम है अवधेश झा। वो यार सुपर बाइक भी सर, भी नॉर्मल 100 cc से लेके ऊपर तक का जितना भी cc का बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक जो भी आता हो, हर एक बाइक को सर्विस करते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो मैं उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से ज़रूर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो,
कॉल करके जा सकते हो। अगर फिर भी कुछ अगर डाउट हो रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, या स्क्रीन पे इंस्टा आईडी का नाम आ रहा होगा वहाँ पे मेरे को मैसेज करना। मैं हो सके तो आप लोग के साथ ही चला जाऊँ, या तो मैं आप लोग से बात करा दूँ उनसे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं पेंट का। तो मैंने पेंट कहाँ कहाँ करवाया पहले ये जान लो। ये पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, अलॉय व्हील तो पेंटेड है ही, साथ में ये भी पेंटेड है। मतलब हर एक पार्ट छोटा छोटा समझ लो। ये टैंक भी पेंटेड है, ये दोनों कलर। सीट भी कस्टमाइज है, इंजन भी पूरा का पूरा पेंटेड है। ये सारा सिल्वर में आता था, ये भी पूरा एकदम चैन गार्ड जो है ये भी पूरा सिल्वर में था। ये ब्लैक में ही था, लेकिन फिर से इसके ऊपर भी पेंट करवाया गया क्योंकि वो थोड़ा डार्क टाइप का था, ये भी पेंट करवाया गया। हर एक पार्ट, हर एक जगह से आप लोग देखो, हर एक बॉडी पूरा पेंटेड है। ये भी पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, ये नहीं है। इंडिकेटर चेंज है, यहाँ पे भी स्टिकरिंग कराया गया है। पूरा का पूरा टोटली ये पेंटेड है। ये भी सिल्वर में आता था ये वाला, ये भी पेंटेड है। तो सारा पेंट मिला के अप्रोक्स मुझे कुछ 6 या 6,500 का पड़ा था। और मैं एक बात जनरली बता दूँ, ये पेंट उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर चलेगा ये पेंट, पहले मैं बता देता हूँ। अगर अच्छे से केयर किए, छिड़खानी ज़्यादा कुछ नहीं किए, बाइक संभाल के रखे घर में, तो पेंट 1 साल चलेगा ही चलेगा। और ज़्यादा कुछ घिसे फिसे नहीं या कुछ भी, मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, कुछ ये पॉलिश मार दिए, वो कर दिए डीजल। हाँ, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बाइक धुलवाने जाते हो तो सिर्फ बाइक धुलवा लो, उसके ऊपर कभी डीजल मत मरवाना। क्योंकि ऐसे ऐसे जो बाइक होते हैं जो नॉर्मली धुलवाते हैं ना, वो लोग डीजल मरवा देते हैं। डीजल ना मरवाओ, मैं एक सजेशन दूंगा, इंजन एरिया में जहाँ पे लोहे का पार्ट्स है वहाँ पे सिर्फ डीजल दे सकते हो। देखो मैंने जैसे यहाँ सब डीजल दिया हुआ है, तो डस्ट वगैरह पूरा जम गया। देखो तो ये सब जगह पे दे सकते हो, पेंट वगैरह पे मत देना। पेंट पे अच्छे क्वालिटी का कोई पॉलिश से पॉलिश कर देना बाइक को, खुद से भी कर सकते हो। मैं पॉलिश का एक डब्बा आएगा वो मैं स्क्रीन पे यहाँ साइड में डाल दूंगा, ये आप लोग खरीद के कर सकते हो। मैं प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे करना है, तो वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पेंट का। तो मैंने पेंट का बताया कुछ 6,000 कुछ समथिंग मुझे पड़ा था। हैंडल का मुझे 850 से 900 कुछ पड़ा था। लेग गार्ड का मुझे सेम प्राइस 950-950 का पड़ा था। इंडिकेटर नॉर्मल शायद 100-150 या 200 का आता है, ये पड़ा था। ठीक, आप लोग काउंट करते जाना कितना टोटल हो रहा है। एग्जॉस्ट मुझे 3,000 का पड़ा था, और ये मैंने इमरजेंसी में चेंज करवाया था, बट मैं इसे भी चेंज करा लूँगा कुछ दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 400-500 का पड़ेगा। ऐसे पाइप का जो आता है वो क्या होता है, हीट होगा तो हीट होगा ना, तो ऐसा कलर चेंज हो जाएगा उसका। ये कलर देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये चेंज कर दिया, ऐसे कट करके, और यहाँ से कट करके मैं निकाल दूँगा, स्प्रिंग वाला सिस्टम कर दूँगा, ताकि और भी कोई दूसरा एग्जॉस्ट लगाना हो तो मैं लगा सकता हूँ। बाकी सब देख सकते हो, ये सब पेंटेड है, पूरा का पूरा पेंटेड है। सो मैंने अप्रॉक्स जितना मैंने चेंज करवाया था, हर एक चीज़ हो सकता है, मैंने बता दिया हो। और ये स्विच है चारों इंडिकेटर का, ये कुछ आपको 50-60 रुपये का स्विच पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि मैंने उस टाइम पे लिया था। आज से 2.5 साल पहले मैंने लिया था, तो मुझे उतना सही से याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ होगा। स्टिकर मैंने करवाया था यहाँ पे, यहाँ पीछे में, ये सब पूरा मोटुल वगैरह सब, हीरो होंडा, ये सब, ये भी, ये सब मुझे लेके कुछ 450 या 500 का स्टिकर पड़ गया था। स्टिकर थोड़ा महंगा आता है करवाने में, क्योंकि वो प्रिंट करके निकालता है, तो प्रिंट करके निकालता है तो वो कॉस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और भाई जान लो, एग्जॉस्ट के वजह से भाई 97 cc का बाइक 100+ जाती है। मैं हाईवे बहुत बार चला चुका हूँ, इसको 100+ ये जाती है, लेकिन जब भी 100+ जाएगी ना, फ्यूल बहुत खाती है। अगर 100+ चलेगी तो फ्यूल बहुत खाएगी, तो उतने का ज़रूरत भी नहीं है। और 100+ इस वजह से चली जाती है क्योंकि बहुत लोडेड हो चुकी है। एक तो पेंट का वेट पड़ा है बाइक पे, लेग गार्ड बहुत वेटेड है, एग्जॉस्ट का भी वेट पड़ा हुआ है, हैंडल का भी वेट पड़ा हुआ है, इंडिकेटर का भी वेट पड़ा हुआ है हर जगह से, और सीट का पड़ा है। इस सीट का मुझे शायद मुझे कुछ 600 या 700 का मुझे सीट पड़ा था, आई थिंक 600 या 700 का ऐसा कुछ सीट पड़ा था ये। तो ये सब इतना वेट लेके ही तब जाके मेरा बाइक 100+ जा पाती है, ये तो पॉसिबल कोई एंगल से नहीं है। पहले जब मैं इसका पुराना जब शोरूम कंडीशन में जब था ये, जैसा शोरूम से मिलता है उसका फ़ोटो
और अभी इसका फ़ोटो, दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और बाइक कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। आप लोगों को एक बार साउंड सुना सकते हैं, एक बार साउंड आप लोग चेक कर सकते हो, सुनना। कान फाड़ देता गाइस, अभी तो आवाज़ इसका थोड़ा दब गया क्योंकि साइलेंसर हल्का फट चुका है। स्टार्टिंग में जब लगाए थे ना बेस प्लस लाउड, मिनी सुपर बाइक गाइस, मिनी सुपर बाइक का साउंड देता था पूरा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, बाइक कैसा लगा, सिनेमैटिक वीडियो कैसा था, और मेरा रिव्यू देने का तरीका कैसा था, अच्छे से दे पाए या नहीं, क्योंकि यार आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं अच्छे से रिव्यू दे पाऊँगा कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया था, कहाँ कैसे किया था। तो ज़रूर से गाइस बताना कि और कैसे मैं बेटर वीडियो बना सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और बाइक भी मैंने यूट्यूब के लिए ही रेडी किया था, और ख़ास मुझे बहुत पसंद भी आया था ऐसे, जब मतलब मैंने जब नॉर्मल फ़ोन में ऐसे ग्राफिक करते हैं ना वैसे करके मैंने बनाया था। तो चलो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो होप करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो जरूर लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, क्योंकि अभी किया सेल्टोस के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, या फिर हो सकता है मैं किया सेल्टोस का वीडियो पहले मैं डाल दूँ, और जल्दी से एक गैंगटॉक का राइड का भी वीडियो आएगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को लाइक करना भूलना मत, ठीक है, क्या फ्रेंड को भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी, अगर उन लोगों के पास घर में भी ऐसा बाइक पड़ा हो तो बना ले, जब भी चलाए इंटरेस्टिंग रहे यार, बोरिंग फील ना हो कभी लाइफ में। तो चलते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सो गुड बाय।